सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रितेश और आप देख रहे हो मीटो। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ओपन पेमेंट बैंक जो होता है उसके साथ अगर आपका करंट अकाउंट नहीं है और आपका खुद का करंट अकाउंट है किसी भी अदर बैंक में, जैसे कि SBI, UBI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI, जिसमें भी आपका करंट अकाउंट है, उस करंट अकाउंट के साथ आपका जो पेमेंट गेटवे है, ओपन पेमेंट गेटवे के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, ये जो प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, मैं अपना लैपटॉप में करके आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपका अकाउंट नहीं है ओपन पेमेंट गेटवे में, तो आप अकाउंट कैसे खोल सकते हो ओपन पेमेंट गेटवे में, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही आई बटन में मिल जाएंगे। उस वीडियो पे मैंने बताया है कैसे आप लोग ओपन पेमेंट गेटवे में आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और क्या क्या बेनिफिट है, बेनिफिट आप क्या ले सकते हो। साथ ही साथ बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप ओपन पेमेंट गेटवे में आप अकाउंट खोलते हो तो आपको फ्री सेविंग्स अकाउंट एंड वॉलेट मिलता है, साथ ही साथ आपको डेबिट कार्ड भी मिलता है। एंड आपका अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट में आप इसी पेमेंट गेटवे को यूज करके आप अपने कस्टमर से पेमेंट ले सकते हो, ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को। तो अगर आपके पास एक वेबसाइट है और आपका पेमेंट गेटवे, जो ओपन पेमेंट गेटवे है, को आप कैसे इंटीग्रेट कर पाओगे, उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, साथ ही आई बटन में मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप देख सकते हो कैसे आप लोग पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर सकते हो अपने वेबसाइट के साथ। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं बताने वाला हूँ, आपका अगर किसी भी बैंक में आपका करंट अकाउंट है तो क्या कर सकते हो, उस करंट अकाउंट को आप अपने पेमेंट गेटवे के साथ, ओपन पेमेंट गेटवे के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। वो जो कनेक्शन प्रोसेस है, लिंकेज प्रोसेस है, मैं आपको आप करके दिखाने वाला हूँ। जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट, सिलेक्टेड करंट अकाउंट आप अपने ओपन पेमेंट गेटवे के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर किसी भी बैंक के साथ आपका करंट अकाउंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ओपन पेमेंट गेटवे से भी आप करंट अकाउंट ले सकते हो। तो वो जो प्रोसेस है, आप कैसे ले सकते हो या फिर कैसे ओपन कर सकते हो करंट अकाउंट, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैंने आई बटन में दे दिया, वहां पे जाके आप देख सकते हो कि कैसे आप लोग करंट अकाउंट खोल सकते हो ओपन पेमेंट गेटवे से, वो भी फ्री में, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ, स्मॉल टाइमिंग के साथ। तो आपका अगर करंट अकाउंट नहीं है तो आप करंट अकाउंट खोल सकते हो, वीडियो को देख। तो फ्रेंड्स, अभी ज्यादा समय ना लेते हैं, अभी जाएंगे हम लैपटॉप के स्क्रीन में, वहां पे जाके दिखाऊंगा कैसे आप लोग अपना जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट को अपने ओपन पेमेंट गेटवे के साथ लिंक कर सकते हो। साथ ही बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपका ओपन पेमेंट गेटवे में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसमें क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, अपना जो अकाउंट है ओपन पेमेंट गेटवे का, आप अकाउंट खोल सकते हो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी जाएंगे हम लैपटॉप के स्क्रीन में और वहां पे जाके पूरा फुल प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, यहां पे हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। ये जो प्रोसेस मैं करने जा रहा हूं, इसके लिए आपको अलग से कोई लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप नहीं चाहिए। आपके पास अगर मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से भी आप ये प्रोसेस कर सकते हो। बस आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। सीधे सीधे इसमें क्लिक करके भी आ सकते हो या फिर डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो open.money। open.money सर्च करके आएंगे तो आप यहाँ के ऑटोमेटिक इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। जब आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, एक लॉगिन का और एक गेट स्टार्टेड का। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो गेट स्टार्टेड में क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप देख सकते हो। साथ साथ उनका वेबसाइट का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो या फिर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो हमारा पास अकाउंट है, हम यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, आपको लॉगिन में क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सीधे सीधे आपको दूसरा और एक टैब में लिखा जाएगा और यहाँ पे आपको आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। तो मैं यहाँ पे अपना आईडी एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है, कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे आपका कंपनी का नाम शो हो जाएगा, अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड आपका UPI आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे एक डेबिट कार्ड आपका यहाँ पे शो दिया जाता है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो आप करंट अकाउंट अगर खोलना चाहते हो तो आप open.money से भी आप करंट अकाउंट ले सकते हो। तो कैसे आप ले सकते हो, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसमें क्लिक करके आप जान सकते हो कैसे आप लोग open money में अपना करंट अकाउंट खोल सकते हो, वो बिल्कुल फ्री में। तो जैसे कि हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपना अगर HDFC ICICI का अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिंक कर सकते हो। तो कैसे लिंक कर सकते हो, उसके लिए ये जो प्रोसेस है मैं भी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको बैंकिंग लिखा है, बैंकिंग में क्लिक कर देना है। जब आप बैंकिंग में क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, यहाँ पे आपका अकाउंट डिटेल्स हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, कनेक्ट नाउ, ठीक है, आधार बैंक का। अगर आपके पास आधार बैंक का भी करंट अकाउंट है तो आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेड फीचर्स आपको दिया गया है। यहाँ पे जैसे कि बैलेंस आप चेक कर पाओगे, अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर पाओगे, इनिशियल ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं कर सकते हो, रियल टाइम डाटा सिंक्रोनाइज यहाँ पे नहीं कर सकते हो, स्टेटमेंट हिस्ट्री यहाँ पे आप नहीं दे सकते हो। अगर
पार्टनर अकाउंट आपके पास नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास पार्टनर अकाउंट है तो आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो। लिंक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या फीचर्स मिलेगा, यहाँ पे बैलेंस चेक कर पाओगे, स्टेटमेंट देख सकोगे, ट्रांजेक्शन आप कर सकोगे, फिर रियल टाइम डाटा सिंक्रोनाइज कर पाओगे, स्टेटमेंट भी देख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिंक करने जा रहे हैं, तो लिंक करने के लिए आप लिंक में क्लिक कर देंगे। जब भी आप लिंक में क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ से पार्टनर बैंक जो है लिंक यहाँ पे पार्टनर बैंक शो हो जाएगा, जैसे कि ICICI, यस बैंक एंड एक्सिस बैंक, तीन ही बैंक है। अगर आपके तीनों बैंक में से आपका करंट अकाउंट है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिंक कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ओपन मनी से भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको अकाउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास ICICI का करंट अकाउंट है तो हम यहाँ में सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपके पास अदर बैंक अकाउंट करंट अकाउंट है तो आपको यहाँ पे में से आपको ढूंढ लेना है कौन सा बैंक में आपका करंट अकाउंट है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा ICICI में, आपको यहाँ पे ICICI में क्लिक कर देना है। अगर आपका एक्सिस में है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा ICICI कॉरपोरेट ID एंड ICICI यूजर ID, दो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। तो वो दोनों डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है, एंड साथ ही साथ नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है, एंड कंफर्म कर देना है अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड यहाँ पे डालना है, फिर अकाउंट होल्डर नाम डालना है, एंड I have लॉगिन ID। यहाँ पे अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन ID है तो आप यहाँ में डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, ठीक है। क्लिक करके आपको यहाँ पे लॉगिन ID डाल देना है, ठीक है। तो ये जो डिटेल्स है हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अपना अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे डाल दिया, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दिया है, और ये जो डिटेल्स आप डाल रहे हो तो आपको ध्यान से डालना है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स डाल लेने के बाद आपको नीचे लिखा हुआ है लिंक माय अकाउंट, ठीक है। आपको लिंक माय अकाउंट में क्लिक कर देना है। जब आप लिंक माय अकाउंट में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रूव इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट, प्लीज लॉग इन टू योर ICICI CIB मतलब कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल एंड अप्रूव द इंटरनेट इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट। यू कैन फाइंड द अप्रूवल बटन इन द फॉलोइंग पाथ। आपको क्या करना है, लॉगिन हो जाना है अपना बैंक अकाउंट में, मतलब इंटरनेट बैंकिंग में आपको लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आपको ट्रांसफर में जाना है, पेंडिंग ऑन मी जाना है, कनेक्टेड बैंकिंग अप्रूवल इसमें आपको जाना है। तो मैं क्या करूँगा, अभी हमारा जो ICICI कॉरपोरेट बैंकिंग है डायरेक्ट इसमें लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि लिखा है होम पेज ट्रांसफर पेंडिंग ऑन मे कनेक्ट बैंकिंग अप्रूवल, इसका जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, जो भी यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया गया है ये ओल्ड डायरेक्शन है, इससे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको कॉरपोरेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाना है। कॉरपोरेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सीधे नीचे लिखा हुआ है कनेक्टेड बैंकिंग, ये नया अपडेट आया है ICICI तरफ से, ऑटोमेटिक यहाँ पे दे दिया है कनेक्टेड बैंकिंग। आपको कनेक्टेड बैंकिंग में क्लिक कर देना है। उसके बाद आता है कनेक्टेड बैंकिंग अप्रूवल्स, आपको कनेक्टेड बैंकिंग अप्रूवल में क्लिक कर देना है। जब आप इसमें क्लिक करेंगे उसके बाद ऑप्शन आता है कनेक्टेड बैंकिंग अप्रूवल्स, इसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका जो भी पेंडिंग अप्रूवल्स आएगा, यहाँ पे पेंडिंग ऑप्शन आएगा, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कॉरपोरेट आईडी, यहाँ पे कॉरपोरेट आईडी, कॉरपोरेट यूजर आईडी, एग्रीगेटर नेम आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लिखा रहेगा बैंक ओपन, जैसे कि हमारा जो ओपन मनी की तरफ से हमारा रिक्वेस्ट हमने भेजा है, और एग्रीगेट आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा, डेट यहाँ पे शो हो जाएगा, पेंडिंग फॉर अप्रूवल इसमें लिखा है, ठीक है। तो आपको इसको टिक मार्क में क्लिक कर देना। जब आप टिक मार्क में क्लिक करेंगे उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, और यहाँ पे अप्रूवल लिखा है, आपको अप्रूवल में क्लिक कर देना है। जब आप अप्रूवल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पूछा जाएगा वन टाइम पासवर्ड, तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो OTP डालने के बाद कन्फर्म में क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारा जो OTP हमने डालने के बाद हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे अप्रूवल आ चुका है, हमने यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिया है, स्टेटस रजिस्टर्ड, और आपको यहाँ पे डन में क्लिक कर देना है। तो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। फिर से हम जाएंगे कनेक्टेड बैंकिंग में और जाके देखेंगे हमारा जो प्रोसेस है अभी यहाँ पे कंप्लीटेड हो चुका है या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे माय कनेक्टेड प्रोफाइल में अब जाएंगे, माय कनेक्टेड प्रोफाइल में क्लिक करेंगे, उसके बाद माय कनेक्टेड प्रोफाइल, और यहाँ पे हमारा जो अप्रूवल हमने किया है अभी यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बैंक ओपन रजिस्टर्ड हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर से जाएंगे हमारा यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे जैसे कि लॉगिन कर चुके हैं, मतलब कनेक्टेड कर चुके हैं, हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। और हमने जो लॉगिन किए हैं, मतलब कनेक्ट किए हैं, हम इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। हम लोग चलेंगे अपना डैशबोर्ड पे, और फिर से हम चलेंगे बैंकिंग में।
तो हमारा यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है। तो वो अभी तक इनएक्टिव दिखा रहा है, तो इसको आपको क्या करना, एक्टिव लिखा है आपको एक्टिव में क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इफ यू हैव ऑलरेडी एक्टिवेटेड योर फ्रॉम योर सीआईबी पोर्टल देन काइंडली वेट फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। आपको 15 मिनट वेट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका जो अकाउंट है यहाँ पे एक्टिव हुआ है या नहीं। तो आपको 15 मिनट यहाँ पे वेट करना है, तो हम लोग 15 मिनट वेट कर लेते हैं। 15 मिनट बाद देखेंगे हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन देता है और क्या नहीं, ठीक है। हम लोग फिलहाल थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फिर से एक बार हम चलते हैं बैंकिंग में। बैंकिंग में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर कनेक्टेड हो, देखिए यहाँ पे हमारा जो कनेक्ट किया था वो कनेक्टेड यहाँ पे हो चुका है, और आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा, आपका आईएफएससी कोड यहाँ पे शो हो जाएगा, और आपका जो भी बैलेंस है आपका कनेक्टेड अकाउंट में, जो भी आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो, जो भी हो, जो भी बैलेंस है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। और इसमें अगर मोर में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपका ब्रांच का डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका कॉर्पोरेट आईडी, यूज़र आईडी, लॉगिन आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे आता है स्टेटमेंट, अगर आप स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे तो इस अकाउंट से जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो सारा ट्रांजेक्शन का डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ कनेक्ट किया है, इसका कोई ट्रांजेक्शन मैंने नहीं किया है, तो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, और यहाँ पे सारा डिटेल्स आपका यहाँ पे शो हो जाता है। एंड साथ ही साथ आपको ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट को आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। देखिए इसमें स्टार बटन दिया है, इसमें क्लिक करेंगे और आर यू श्योर करके आएगा, आपको इसको यस कर देना है, तो आपका जो अकाउंट है ये अकाउंट डिफ़ॉल्ट अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए डिफ़ॉल्ट ट्रांसफ़र अकाउंट हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली। और अगर आप यहाँ से एक से ज़्यादा आपका अकाउंट है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि कौन सा अकाउंट का ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी करंट अकाउंट को हम यहाँ पे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो पार्टनर हो या बिना पार्टनर का। अगर पार्टनर का अकाउंट है तो इसमें ज़्यादा फीचर्स मिलता है, और अगर बिना पार्टनर का है तो इसमें लिमिटेड फीचर्स मिलता है, ठीक है। तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कैसे आप लोग बिना पार्टनर का अकाउंट भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल फ्रेंड्स इसी प्रोसेस से हम लोग, अगर आपका पार्टनर अकाउंट है तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना जो अकाउंट है, करंट अकाउंट आपका एग्जिस्टिंग करंट अकाउंट हो, नया आपने करंट अकाउंट किया है, तो उसको आप अपने ओपन पेमेंट गेटवे के साथ कैसे आप लोग लिंक कर सकते हो। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट है, आप डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। और साथ ही साथ बता दो फ्रेंड्स, मेरा सोशल मीडिया का लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे सीधे सीधे क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।